Jha in the house, including yours, and we will have some functions to see explosive talent with no disturbance in complete order. Srimati Rajni Patil. प्रथम धन्यवाद करते हुए क्योंकि हमारा पार्टी का टाइम खत्म हुआ था फिर भी आपने मुझे टाइम दिया इसलिए पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका डिस्क्रिशनरी कोटा है ये सर वेल फ्रैंकली आई डोंट बिलीव इन एनी डिस्क्रिशन एंड आई विश टू गिव अप ऑल डिस्क्रिशनरी कोटाज पर से आर नॉट वेरी अप्रोप्रिएट I have already given up one nomination in the House Committee. I have given up. Let it be available to those who deserve it. Yes, ma'am. Mahamahim Rashtrapati Ji, Draupadi Murmu Ji ne, jo apna address kiya hai, uske upar main kuch vichar meri vyakt karna chahti hu. Hame abhiman hai ki ek mahila is desh ki Rashtrapati hai. Isse pehle bhi UPA government ne Pratibha Tai Patil ko Rashtrapati banaya tha. Yes. प्रथम स्पीकर भी हमारी मीरा कुमार हुआ करती थी उसके बाद में सुमित्रा महाजन जी को भी किया था तो महिलाओं के ऊंचे ऊंचे औहदों पर ले जाना ये हमारी संस्कृति है हमारा संस्कार है सर लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा खंत व्यक्त ये करना चाहती हूँ कि जिस देश में महिलाओं को हमेशा बोलते हैं कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः लेकिन उसी देश में जब आप नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ उस बेटी को बीजेपी से कौन बचाएगा ये मेरा सवाल है क्योंकि हाथरस की घटना जिसमें हमारी दो महिला दलित की महिला मारी गई जिंदा दला दिया गया उत्तराखंड की हमारी अंकिता या उन्नाव की घटना इसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है लेकिन उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई इसकी हमारे लिए मन में दुख है इसकी हमारे लिए मन में बहुत खंत है श्रद्धा वालकर का केस आता है उसके लिए भी हमें बुरा लगता है और जब हम देखते हैं कि आज के तारीख में 86 रेप्स 86 रेप्स एवरी डे इस देश में होते हैं तो कहां से बेटे को सुरक्षितता दे रहे हैं ये मेरा सवाल है उज्ज्वला योजना हमारी एक बहन ने बोला उज्ज्वला योजना लेकिन सर उज्ज्वला योजना का जो कैक का रिपोर्ट है 82% महिलाएं उज्ज्वला योजना का सिर्फ एक बार यूज किया उसके बाद में सिलेंडर बाजू में रख दिया है यूज ही नहीं किया क्योंकि उनको प्रवणता ही नहीं है फिर वो चूल्हे पे चली गई है तो ये वस्तुस्थिति है इस वस्तुस्थिति को बाजू करके हम आगे नहीं जा सकते ये मुझे यहाँ बताना चाहती हूँ यहाँ पे हमारी हिमाचल की बहन है उन्होंने आरक्षण के लिए बोला मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारा एजेंडा था पहले से राजीव गांधी जी ने पहली बार हमारा 33% आरक्षण पंचायत राज में 77 और 78 अमेंडमेंट करके हमें आरक्षण दिया और सर मैं आपको बताने के लिए मैं खुशी से कहूंगी कि पहली बार मैं जिला परिषद से आई जिला परिषद से यहाँ तक का फासला मैंने पार किया अगर तब राजीव जी ने वो नहीं दिया होता तो हम महिलाएं यहाँ तक नहीं आते हैं ये मुझे यहाँ पे कबूल करना पड़ेगा और आज इसकी स्थिति क्या है जो महिला आरक्षण बिल जो हमारी बहन ने बोला कि किसने विरोध किया विरोध भारतीय जनता पार्टी की एक महिला एमपी ने किया था 96 में मैं उस सदन में थी और तब वो फाड़ने का काम एक महिला एमपी ने किया था और फिर हमारी गीता मुखर्जी की सिलेक्ट कमेटी बनाई थी और गीता मुखर्जी के सिलेक्ट कमेटी के अनुसार हमने वो करना था बिल उसके बाद में फिर सरकारें आती रही जाती रही फिर भी सोनिया जी की पहल से एक ऐसा हमारा प्रयास हुआ कि राज्यसभा में विधानसभा में विधान परिषद में और विधान लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और इसके तहत हमने ये बिल राज्यसभा में पारित भी किया था लेकिन दुर्भाग्य से अगली सरकार जो आई उन्होंने हमें वायदा किया था 9 साल हो गए सर 9 साल में उन्होंने हमें वायदा ये किया था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम महिला आरक्षण बिल लाएंगी 9 साल में किसने रोका है आपको पूरा बहुमत आपके पास है कोई भी विरोध नहीं कर सकता अगर विरोध करेंगे तो उसको बुलडोज करने की ताकत आपके हथियार है तो दे दीजिएगा महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए हमें हमारा हक उसमें क्यों कतराते हो आप हम आपके साथ रहेंगे उस बारे में मैं ये यहाँ पे आपके सामने करना चाहती हूँ सर सिर्फ 2 मुद्दे ही बोलूंगी मैं किसान के लिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप जैसे मैं भी किसान परिवार से आती हूँ मोदी जी ने प्रॉमिस किया था सर कि दुगनी आयु करेंगे हम 22 में दुगनी आयु हम 14 गया 19 गया हमें लगा 22 आ गया अभी हमारी दुगनी आयु होगी दुगनी आयु तो हो ही नहीं उल्टी हमारी आयु कम 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 होते जा रही है और दूसरी बात सर आज किसान की ये हाल है कि जो
प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना है, उसमें हमारा किसान पीसा जा रहा है, बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है और किसी को फायदा हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लखीमपुर खेरी सड़क जैसे जो कुछ मसले होते हैं उसमें हमारे किसान पीस जाते हैं, मर जाते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। सर, बेरोजगारी के लिए यहाँ पे एक दो मिनट में बोलना चाहूंगी। सर, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली जिसमें हम भी शामिल हुए। लास्ट में मेरे ही स्टेट में जहाँ पे मैं प्रभारी हूँ जम्मू कश्मीर, वहाँ पे वो आए थे। और मुझे भी आश्चर्य लगा कि जब जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे जहाँ पे 5-5 फुट बर्फ थी, वहाँ पे लोग आएंगे कि नहीं, ये हमें डर लग रहा था। वहाँ पे 20-20 हजार लोग आ गए, तो मैंने सोचा हमने तो कुछ किया नहीं है, इतने लोग कहाँ से आ गए। तो मोदी जी ने किया होगा जी, तो मोदी जी का ही काम है ये। इसका कारण ये है कि जिस तरह से एक एक आदमी फिसल गया है, एक एक आदमी पिसा गया है, त्रस्त है जम्मू कश्मीर का हर कोई व्यक्ति, आक्रोशित है, त्रस्त है। उनका 370 निकाल दिया, उनका स्टेट फूड का दर्जा निकाल दिया, उनको यूटी में डाल दिया, वो त्रस्त है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है जम्मू कश्मीर में, और वहाँ के जो कश्मीरी पंडित है उनको हमेशा, यहाँ पे एक्ट्रेस है उन्होंने बोला दिया गया कि कश्मीरी पंडित को लिए हम हैं, कश्मीरी फाइल दिखाई गई, कश्मीरी फाइल पिक्चर का इतना बड़ा नाम लिया गया, लेकिन वहाँ पे वस्तुस्थिति बहुत अलग है। सर, कश्मीरी पंडित जो है उनको जो दिया वो हमारे मनमोहन सिंह सरकार ने दिया, उनको एक स्पेशल पैकेज दिया गया था, उनको घर दिया गया। वो कश्मीरी पंडित राहुल जी को मिलने जब आए, उनके गले लगा के रोने लगे और उनको बताने लगे, राहुल जी के लिए जो लोग आए थे वो इसीलिए आए थे कि उनकी दर्द, उनका दुख, उनका दर्द समझने वाला, सहवेदना और संवेदना समझने वाला व्यक्ति उनके बीच में आया, इसलिए वो आए थे। इसलिए सर, मैं बहुत आपकी आभारी हूँ, आपने मुझे टाइम दिया, तो मैं आपके आभार करूंगी। धन्यवाद। श्री भूपेंद्र यादव।